बेटा आ रही है क्या आवाज? आर यू लिसनिंग मी और नॉट? ठीक है, तो देखिए अपन को ट्रांसलेशन का जो टॉपिक है उस ट्रांसलेशन के टॉपिक पे बात करनी है बेटा। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ आ रही है, ये नेट की प्रॉब्लम थी थोड़ी। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जब मैंने आपको 6-7 सेंटेंसेस लिखवाए थे हिंदी लैंग्वेज में, अपन 5-6 सेंटेंस लिखे हैं। सबसे पहले देखिए मैंने लिखा रमन एक पत्र लिख रहा है, ये एक सेंटेंस हो गया हमारा हिंदी लैंग्वेज। दूसरा सेंटेंस देखिए, अमन
मैदान में क्रिकेट खेल रहा था। ये सेकंड सेंटेंस है। थर्ड सेंटेंस देखिए, रीना रसोई घर में भोजन पका रही होगी। सेंटेंस नंबर फोर देखिए, सुमन रविवार को फल नहीं खाती है। फिफ्थ सेंटेंस देखिए, अंजना मंच पर गाना नहीं गाती थी। और देखिए एक सेंटेंस, संगीता एक नई कार खरीद चुकी है, खरीद चुकी है। और लास्ट सेंटेंस देखिए, राजेश राजेश गृह कार्य पूरा कर चुका था। ये हमारे पास कुल मिलाकर 7 सेंटेंस हैं। जो मैंने आपको कल एक आइडेंटिफिकेशन बताई थी हिंदी में, उस हिंदी लैंग्वेज की आइडेंटिफिकेशन के अनुसार सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले अपन सेंटेंस को समझेंगे कि वाक्य कौन से टेंस का है। तो देखिए बेटा, जैसे लास्ट में आ गया है तो ये प्रेजेंट टेंस है, और वर्ब के साथ आ गया रहा तो ये हो गया कंटीन्यूअस टेंस। यानी रहा पहचान है कंटीन्यूअस की, और है पहचान है प्रेजेंट की। ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से देखें अपन तो ये क्या था, पास्ट और रहा कंटीन्यूअस, तो ये हो गया आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें द, इसका मतलब फ्यूचर टेंस हो गया, क्योंकि द की पहचान जो होती है वो फ्यूचर टेंस के लिए होती है, और रहा का भी कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है, इसलिए दी यानी फ्यूचर कंटीन्यूअस। आपको इसी प्रकार से सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन में सेंटेंस का संबंध समझना है कि व्हाट इज द टेंस दैट गिवन सेंटेंस इज रिलेटेड टू, यानी कि वो कौन सा टेंस है जिससे दिया गया वाक्य कनेक्टेड है। इसी प्रकार से देखिए, है प्रेजेंट और वर्ब के लास्ट में आ गई थी ताती थे, अपने पहचान लिखी थी, तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। इसी प्रकार से थी पास्ट और थी ताती थे इंडेफिनिट, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। या देखिए प्रेजेंट और चुका चुकी परफेक्ट, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। यहां अपन बात करें पास्ट, और ये आपका चुका परफेक्ट, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। देखिए, जब भी किसी भी वाक्य का अकॉर्डिंग टू टेंस ट्रांसलेशन किया जाता है तो उसकी स्ट्रक्चर बदलती है। अब अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपकी स्ट्रक्चर है
ये क्या है? तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अपन सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अपन हेल्पिंग वर्ब करेंगे, इसके बाद में मेन वर्ब का प्रयोग होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद अदर वर्ब्स। यानी किसी भी वाक्य का ट्रांसलेशन करने के लिए एक ही स्ट्रक्चर होगी, और ये स्ट्रक्चर है आपकी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब्स। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब्स, ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और देखिए, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जब अपन को सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना है, तो आपको हिंदी के अंदर जो वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में से ये तीन चीज छांटनी है। कौन कौन सी? नंबर एक सब्जेक्ट, नंबर दो वर्ब और नंबर तीन ऑब्जेक्ट। तो ये तीन चीज आपको छांटनी है, और जब अपन इस तीन चीज को छांट लेंगे, जब अपन इन तीन चीजों को अच्छे तरीके से छांट लेंगे, तो आप ये मान के चलिए, आप ये मान के चलिए कि सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने में हमें काफी आसानी रहेगी। अच्छा बेटा, ये कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि वॉइस नहीं आ रही है, तो अभी भी क्लियर नहीं किया, और ये गूंज रहा है, थोड़ा बोल है ना इसलिए। तो आप ईयरफोन लगाकर सुने, आप ईयरफोन का यूज करें, आराम से समझ में आएगी। देखिए स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है वाक्य में काम करने वाला व्यक्ति, जिसे अपन कर्ता कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? कर्ता। तो यह देखिए, पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है? रमन। तो रमन सब्जेक्ट हो गया। दूसरा देखिए वर्ब, देखिए आप लिख रहा, ये आपकी वर्ब। और ऑब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस में, वो जस्ट बिफोर द मेन वर्ब होता है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। हिंदी के वाक्य में जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब से पहले होता है, और जब अपन इसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो ऑब्जेक्ट को वर्ब के बाद लिखा जाता है। ये दो चीज भी अपन को विशेष रूप से ध्यान रखना है। हमने इसमें सेंटेंस देख लिया टोटल स्ट्रक्चर। अब यह देखिए, सब्जेक्ट क्या है? हम। वर्ब क्या है? खेल रहा। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? क्रिकेट। क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होगा वो वर्ब के तुरंत पहले आने वाला शब्द होता है, और उसके पहले यदि कोई शब्द लिखे हुए हैं तो वो आपके अदर वर्ड्स माने जाते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? अदर वर्ड्स। या देखिए सब्जेक्ट क्या है? वीणा। अब इसमें हम देखेंगे कि सब्जेक्ट तो वीणा है, उसको तो पका रही, ये आपकी वर्ब हो गई पकाना। और क्या पका रही है? देखिए पकाने के जस्ट पहले जो वर्ड होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा, और इसके पहले जो वर्ड्स होंगे वो होंगे आपके अदर वर्ड्स। तो ये हो गए आपके अदर वर्ड्स। क्लियर है? इस सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट क्या है? सुमन। वर्ब क्या है? खाती है। और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? फल। ये नहीं तो सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए आया हुआ वर्ड है। तो खाती है वर्ब के तुरंत पहले शब्द कौन सा होगा? ऑब्जेक्ट फल। और ये हो गया आपका अदर वर्ड्स। इसी प्रकार से अगर सेंटेंस नंबर 5 की बात करें तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? अंजना। इसके बाद देखिए गाती थी, ये हो गई वर्ब, और गाना हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और मंच पर क्या हो जाएंगे? अदर वर्ड्स। फिर देखिए सेंटेंस नंबर 6 में सब्जेक्ट क्या है? संगीता। इसके बाद में खरीद चुकी, यह आपकी वर्ब हो गई, और नई कार, जस्ट बिफोर द वर्ब ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये एक नई कार के लिए है, सिर्फ एक नई कार पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहां देखिए राजेश सब्जेक्ट है, तो वर्ब क्या हो जाएगी? पूरा करना। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ग्रह कार्य। सब्जेक्ट वर्ब, ये पूरा करना, कर चुका,
और ये होगा ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स इसमें कार्य ग्रह कार्य दो बार लिख दिया हमने इसको ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट हमने सभी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया मैं फिर आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं क्या कि सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आ जाती है स्टूडेंट्स अदर वर्ड्स को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं अदर वर्ड्स को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और जब अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट बन जाता है तो फिर हमारा सेंटेंस का ट्रांसलेशन गलत हो जाता है या फिर हमारा सेंटेंस का ट्रांसलेशन सही नहीं हो पाता या फिर हम सेंटेंस को गलत तरीके से ट्रांसलेट कर देते हैं तो आप हमेशा ये बात ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो हिंदी के वाक्य में होता है वो जस्ट बिफोर द मेन वर्ब होता है मेन वर्ब जो है प्राप्ति उसके तुरंत पहले लिखा जाने वाला जो शब्द होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लें अब इसके बाद अपन चलते हैं ट्रांसलेशन तो स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन जब भी आप किसी सेंटेंस का करते हैं तो उसका ट्रांसलेशन करने के लिए एक ही स्ट्रक्चर है यानी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब्स आप किसी भी सेंटेंस का जब ट्रांसलेशन करते हैं तो उस सेंटेंस का ट्रांसलेशन आपको एक ही स्ट्रक्चर से करना है अब यहां देखिए जैसे अपन इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं तो हमारी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपन को चलना है हमारी स्ट्रक्चर कहती है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए तो जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है हमने उसको लिखा तो ये देखिए रमन ठीक है स्टूडेंट्स अब हमारी स्ट्रक्चर कहती है कि हेल्पिंग वर्ब लगेंगे तो आपको ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अकॉर्डिंग टू टेंस होता है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग टेंस के अनुसार होता है इसलिए आप यहां देखिए टेंस क्या है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है कल मैंने आपको बताई थी इज एम आर तो यहां देखिए रमन सिंगुलर है तो इसके लिए क्या रहेगा इज लगे हेल्पिंग वर्ब अब मैन वर्ब तो मैन वर्ब का जो प्रयोग होता है वो अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब होता है यानी जो हेल्पिंग वर्ब आपने लगाई है उस हेल्पिंग वर्ब के साथ मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है तो यहां देखिए इज एम आर के साथ मैंने कल बताया था आपको सारणी बनवा रखी है इज एम आर के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड होता है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड होता है तो यानी कि लिखने को क्या कहते हैं राइट और इसमें क्या जोड़ देंगे अपन आईएनजी राइटिंग और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा है लेटर ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमने ट्रांसलेट कर लिया इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस देखिए अमन सब्जेक्ट देखेंगे सबसे पहले तो सब्जेक्ट है हमारा अमन तो हमने लिखा सा अमन फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगा दिए तो हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले आपको सेंटेंस का टेंस देखना होगा कि वाक्य का टेंस क्या है तो यहाँ देखिए वाक्य का टेंस क्या है था पास्ट रहा कंटिन्यूस यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है अगर सारणी में वॉच या वर यहाँ अमन के लिए क्या आएगा वॉच और वही मैन वर्ब लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के अनुसार आती है और वॉच वर्ब के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है जैसा कि हमारी स्ट्रक्चर और हमारी आइडेंटिफिकेशन और टेंसेस की जो सारणी है वो बताती है तो अमन वॉच खेलने को प्ले कहते हैं तो हमने लिखा पी एल ए और ये जोड़ दिया इसमें आई एन जी प्ले फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा सी आर आई सी के कैट और मैदान में मैं के लिए आ जाएगा इन द ग्राउंड इन द ग्राउंड ये सेंटेंस हम
इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड सेंटेंस का। सेंटेंस कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, तो हमने सब्जेक्ट लिखा बिना। सब्जेक्ट क्या लिखा बेटा? बिना। अब वाक्य कौन से टेंस का है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले हमको टेंस देखना है। ये हो गया हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? देखिए सारणी में विल बी या शैल बी। तो हमने यहाँ लिखा रीना विल बी, और पकाने को क्या कहेंगे? कुक। और फ्यूचर कंटीन्यूअस में भी विल बी शैल बी के साथ आईएनडी लगता है, तो विल बी कुकिंग, भोजन को कहेंगे फूड। और रसोई घर में इन द किचन, इन द किचन, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इधर देखिए सुमन रविवार को फोन नहीं करती, तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है? सुमन। हमने लिखा सुमन। अब हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए हमें सबसे पहले टेंस देखना पड़ेगा। तो वाक्य का टेंस क्या है? यानी प्रेजेंट, यानी इंडेफिनिट। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया कि बेटा डू या डच, सुमन के लिए डच आएगा। और डू डच के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मैंने कल बताया आपको कि डू या डच के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ देखिए खाने को कहते हैं ईट, लेकिन यहाँ सेंटेंस में नहीं शब्द आया है, इसलिए आप इसके साथ लगा दीजिए नॉट ईट, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा फ्रूट्स रविवार को ऑन संडे, ऑन संडे। इसके बाद देखिए अंजना, सब्जेक्ट क्या हमारा सेंटेंस नंबर फिफ्थ पर? अंजना। तो हमने लिखा अंजना। अब हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज करने से पहले अपन को क्या करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब का यूज करने से पहले अपन को टेंस देखना पड़ेगा। तो देखिए टेंस क्या है? टी यानी पास्ट, टी यानी इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? टी। इसमें भी नहीं शब्द लिखा है हमने, इसलिए आ जाएगा नॉट। और डिल के साथ भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। गाना गाने को क्या कहते हैं? सिंग, अ सॉन्ग, मंच पर, ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज। फिर देखिए सेंटेंस नंबर सिक्स, संगीता एक नई कार खरीद चुकी। तो हमने सब्जेक्ट लिखा सबसे पहले, क्योंकि हमारी स्ट्रक्चर कहती है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए। हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा संगीता। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओ, तो हेल्पिंग वर्ब के लिए मैंने बताया अकॉर्डिंग टू टेंस लगेगा। सबसे पहले टेंस देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज या हैव, जो जैसा कि हमारी सारणी बताती है। तो यह संगीता के लिए क्या रहेगा? हैज। अब हमारी स्ट्रक्चर करके मेन वर्ब देखो, तो मैंने बताया था मेन वर्ब का प्रयोग हमेशा किसके अनुसार होता है? हेल्पिंग वर्ब के अनुसार होता है। तो यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैज, तो हैज के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मैंने कल बताया था हैज और हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यह थर्ड फॉर्म क्या रहेगी? खरीदने को कहते हैं परचेज या बाय। तो आप लिखते हैं तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी किसकी? बॉट। और एक नई कार, ए न्यू कार। फिर देखिए राजेश गृह कार्य पूरा कर चुका था, तो इसका सब्जेक्ट क्या हो गया हमारे पास? राजेश। फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले आपको टेंस देखना है। चुका था यानी पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। कि देखिए पूरा करने को कंप्लीट कहते हैं, हैड के साथ भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हैड कंप्लीटेड। और गृह कार्य को कहते हैं फॉर्म वर्ब। ये आपका ट्रांसलेशन हो गया कंप्लीटेड फॉर्म वर्ब, ये आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया।
देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअली करना क्या है, आपको सिर्फ इतना सा करना है, आपको सिर्फ इतना सा करना है कि ये स्ट्रक्चर कैलेंडर जो है इनके वर्ब की सारणी, मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस की जो सारणी कल अपन ने यहाँ देखी थी, वो सारणी आपको अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद इस प्रकार से हिंदी में सेंटेंस लिखने हैं आपको, इस प्रकार से हिंदी में सेंटेंस लिखने हैं, और हिंदी में सेंटेंस लिखकर आपको क्या करना है, आपको उसका ट्रांसलेशन करना है। आपको सबसे पहले ये सारणी जो कल मैंने आपको बताया कि वो लर्न करनी है, सबसे पहले आपको वो सारणी लर्न करनी है, और सारणी लर्न करने के बाद फिर आपको इसी प्रकार से सेंटेंस बनाना है 15 या 20। और जब 15 या 20 सेंटेंस आप बनाए रफ कॉपी में, अभी ये सेंटेंसेस जो आपको बनाने हैं रफ कॉपी में बनाने हैं, आपको फेयर कॉपी में नहीं बनाने हैं। फेयर कॉपी में सिर्फ इतना ही काम करना है कि जैसे मैंने लिखा ऊपर ट्रांसलेशन, आपको हेडिंग डालना है ट्रांसलेशन, इसके बाद में स्ट्रक्चर आपको डालनी है। स्ट्रक्चर डालने के बाद आपको ये जितने भी जो मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं 7, ये 7 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, ये 7 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। और 7 सेंटेंसेस बनाने के बाद 7 सेंटेंसेस आपको स्वयं को बनाना है। यू हैव टू कंप्लीट 7 योर ओन सेंटेंसेस बट इन सेम पैटर्न, यानी रमन एक पत्र लिख रहा है, इसी प्रकार से आपको दूसरा सेंटेंस बनाएंगे जिसमें रहा है वर्ब आना चाहिए लास्ट में, जैसे कि रीना एक गाना गा रही है या रीना गाना लिख रही है, इसी प्रकार से या खेल रहा था, इसी प्रकार से आप यहाँ इसी के पैटर्न में एक सेंटेंस बनाएंगे, जहां फल नहीं खाती है तो यहाँ आप एक इसी पैटर्न के सेंटेंस बनाएंगे कि सब्जी नहीं बेचती है। इस प्रकार से 7 सेंटेंस जो मैंने बनाए हैं, ये 7 सेंटेंस आपको घर से बनाने हैं। इतना सा वर्क दे रहा हूं, देखिए वर्क क्यों कम क्यों दे रहा हूं, वर्क कम देने का एक रीजन है। रीजन ये है कि कल अपन ने आइडेंटिफिकेशन और टेंसेस की जो एक पूरा चार्ट बनाया था, वो चार्ट आपको याद रखना होगा। जब तक आपको वो चार्ट याद नहीं होगा, तब तक आप ट्रांसलेशन सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। मैं स्टूडेंट्स एक और सजेशन आप लोगों को देना चाहूंगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जब सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे या करते हैं, तो उस समय वो चार्ट जो आपके सामने बना हुआ है, उस चार्ट को वो खोल के रखते हैं और फिर ये देखते हैं, क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, वो इसलिए देखते हैं, वो ये देखते हैं कि जैसे ही सेंटेंस लिखा हुआ है तो फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन वो चार्ट में देखेंगे, चार्ट में देखेंगे कि सर ये इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहा है तो ये कौन सा टेंस हुआ। तो मैं आपको बता देता हूं कि सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते समय व्हेन यू ट्राई टू आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस, देन यू शुड नॉट ओपन योर chart and see at it again and again repeatedly. It will make you weak to learn your structure. तो आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। एक की बच्चा है, कौन सा जांगिर है ये, क्षितिज जांगिर, ये लिख रहा है कि सर सेकेंड सेंटेंस में 8 ग्राउंड क्यों नहीं आएगा, 8 ग्राउंड नहीं आ सकता बेटा, 8 जो होता है वो मैं के लिए नहीं होगा यहाँ पर प्रयोग, इन द ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड जो है वो एक सराउंडेड एरिया है, एक बाउंडेड एरिया है, और उस बाउंडेड एरिया के अंदर ही आप खेल रहे हैं। यदि कोई स्थान होता, मतलब प्लेस के रूप में यदि आप उसको देखते हैं तो 8 आ सकता है, यानी कि मैदान के पास में हूं,
तो फिर मैदान के पास में एक द ग्राउंड हो सकता है, लेकिन द यहाँ सेंटेंस में अमन अमन है, अमन इज द पर्सन हु इज प्लेइंग क्रिकेट इन द साउंडेड एरिया इन द बाउंडेड एरिया, इसलिए इससे पहले इनका ही प्रयोग होगा, ये बात आप अच्छी तरीके से जान लें स्टूडेंट्स। इसके अलावा मेरे पास एक मिनट है, आपकी कोई क्यूरीज हो तो आप मैसेज बॉक्स में डालिए, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ ठीक है बेटा क्षितिज, ठीक है समझ में आ गई ना बात। अब आपकी और कोई क्यूरीज हो तो जल्दी से बताइए, डू यू हैव एनी क्यूरीज स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी क्यूरी रिलेटेड टू टॉपिक ट्रांसलेशन we have completed it today, no sir, okay sir, no sir। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जितना काम मैंने बताया उतना ही करना है। आज हमारी क्लास थोड़ी सी छोटी हो गई क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा था और इंटरनेट चलने के बाद में थोड़ी सी वॉइस वाली प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए हमारी जो क्लास थी वो थोड़ी छोटी हो गई। कोई दिक्कत नहीं, आगे अपन इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग, सी यू टुमारो।